फैंस टू यू मी एंड फुटबॉल। दोस्तों, आप सभी ने मैदान मूवी का ये ट्रेलर तो देखा ही होगा। भाई, इंडियन फुटबॉल पर बनने वाली रीसेंट टाइम में शायद सबसे बड़ी मूवी होगी। इसमें अजय देवगन नजर आ रहे हैं एक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच के किरदार में। दोस्तों, इस मूवी में अजय देवगन जिस लेजेंडरी इंडियन फुटबॉल कोच का किरदार निभा रहे हैं, उनका असली नाम है सैयद अब्दुल रहीम। क्या थी रहीम साहब की कहानी, उनकी उपलब्धियां, उनकी अचीवमेंट्स कि बॉलीवुड को इस पर एक मूवी बनानी पड़ी। चलिए जानते हैं ये सब डिटेल में। दोस्तों, ये कहानी है एक आम इंसान की, फुटबॉल के प्रति उसके जज्बे, उसके जुनून की, अपने देश से वफादारी की, अपने देश से मोहब्बत की, अपने देश के तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराते देखने की उसकी तमन्ना की। इसकी शुरुआत होती है हैदराबाद के धूल के मैदानों से और ये जाती है इंटरनेशनल फुटबॉल के ग्रैंड स्टेज तक। दोस्तों, आज जबकि इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस को लेकर के हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में आज ये जानना और भी दिलचस्प होगा कि कैसे रहीम साहब ने अपने उस दौर में इंडियन फुटबॉल को इतना बेहतर बना दिया था कि उसे एशिया का ब्राज़ील कहा जाने लगा था। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। दोस्तों, अब्दुल रहीम का जन्म 17 अगस्त 1909 को ब्रिटिश इंडिया के हैदराबाद रियासत में हुआ। फुटबॉल से उनका लगाव उनके उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान शुरू हुआ, जो कि वक्त के साथ बस पढ़ता ही गया। पेशे से एक टीचर होने के बावजूद फुटबॉल के प्रति उनके जुनून में कभी कमी नहीं आई। रहीम साहब ने बतौर फुटबॉल खिलाड़ी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कमर क्लब और यहां तक कि डच एमेच्योर लीग HSV होएक के लिए मैदान में अपने जौहर दिखाए। रहीम साहब ने अपने फुटबॉल कोचिंग करियर की शुरुआत अपने ही स्कूल से की, जहां पर वो पहले पढ़ाया करते थे। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली, जो कि उनके समय में एक ऐसी टीम बनी जिसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद स्टेट और फिर 1950 में इंडियन फुटबॉल टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, ये वही साल था जब 1950 के वर्ल्ड कप में भारत नहीं जा पाया था। क्या थी इसकी कहानी, इस पर जल्द ही एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। रहीम साहब की मेंटरशिप में भारत को पहली बड़ी सफलता 1951 में मिली, जब एशियन गेम्स भारत के नई दिल्ली में हुए। इस एशियन गेम्स में भारत ने फाइनल मैच में ईरान को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता और ये पहली बड़ी सफलता भारतीय टीम ने फुटबॉल में पाई। पर रहीम साहब यहीं नहीं रुकने वाले थे और ना ये इंडियन टीम यहां रुकने वाली थी। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। ये मकाम कुछ खास था क्योंकि उस वक्त ऐसा करने वाली एशिया की भारत पहली टीम थी। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद 1960 के रोम ओलंपिक में भारत की टीम, जो कि एक काफ़ी टफ ग्रुप में थी, इसके बावजूद उसने एक शानदार प्रदर्शन किया। अपने पहले मैच में ग्रेट हंगेरियन साइड, जो कि उस वक्त की एक काफ़ी बड़ी ताकत मानी जाती थी, उससे एक नैरो मार्जिन 2-1 के गोल से हारने के बाद अपने अगले मैच में भारत ने पिछले वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम फ्रांस के अगेंस्ट पहला गोल दाग दिया और काफी समय तक इसमें अपनी बढ़त बनाई रखी। पर फ्रांस ने किसी तरह से इस गोल को बराबर कर दिया और ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। पर भारत के शानदार प्रदर्शन, उनकी ग्राउंड पासिंग और उनके साहस और दिलेरी को देखते हुए सभी दर्शकों ने उनकी प्रशंसा की। बतौर कोच रहीम साहब की आखिरी बड़ी जीत 1962 के एशियन गेम्स, जो कि जकार्ता में हुए थे, उसमें आई। यहां पर भारत ने 1,00,000 दर्शकों से भरे स्टेडियम में फाइनल मैच में कोरिया को 2-1 से हरा करके अगेन एक बार फिर से एशियन चैंपियन बनी। बतौर कोच रहीम साहब की टेक्निक और टैक्टिक्स दोनों ही शानदार थे। भारतीय फुटबॉल टीम की ग्राउंड पासिंग को रहीम साहब ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। उस दौर में भारत फुटबॉल का एक बड़ा पावर हाउस बन गया था और शायद यही वजह थी कि इंडियन फुटबॉल टीम को उस दौर में एशिया का ब्राज़ील कहा जाने लगा था। इस दौर में भारतीय फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस और उसकी अचीवमेंट को अगर हम देखें तो शायद सच में ये भारतीय फुटबॉल टीम का एक गोल्डन एज था। दोस्तों, रहीम साहब की सोच उनके समय से काफ़ी आगे थी। ही वॉज ट्रूली अ विजनरी, जैसा कि फेमस फुटबॉल राइटर नोवी कपाड़िया ने अपनी बुक बेयर फुट टू बूट में बताया है। रहीम साहब को लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स पसंद नहीं थी, वो अपनी टीम को उस दौर की ग्रेट हंगेरियन साइड के तर्ज पर डेवलप करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियन फुटबॉल टीम ग्राउंड पासिंग पर ज़्यादा फोकस करे।
रहीम साहब इंडियन प्लेयर्स की वीकनेस से वाकिफ थे और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इसके लिए नॉन ड्रिबलिंग टूर्नामेंट्स एंड वीकर फुट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, जब बाकी दुनिया 2-3-2-3 या 3-3-4 फॉर्मेशन पर खेल रही थी, रहीम साहब ने दुनिया के सामने 4-2-4 फॉर्मेशन को पेश किया, जिसे बाद में ब्राजील ने 1958 के वर्ल्ड कप में पॉपुलर किया। कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। रहीम साहब का योगदान फुटबॉल में सिर्फ एज अ कोच ही नहीं था, बल्कि वो एक काबिल और असरदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। वो ये जानते थे कि अगर इंडियन फुटबॉल को बुलंदी पर बने रहना है तो उन्हें ग्रास रूट लेवल पर फोकस करना होगा, जिससे कि लगातार टीम में अच्छे प्लेयर्स आते रहे। ये रहीम साहब के प्रयासों का ही फल था कि हैदराबाद उनके दौर में एक ऐसी फोर्स बन गई थी फुटबॉल में, जिसे हरा पाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। बतौर कोच रहीम साहब अपने प्लेयर्स के काफ़ी फेवरेट हुआ करते थे। रहीम साहब की काबिलियत से जुड़ा एक फेमस किस्सा कुछ यूं है। जब 1956 की ओलंपिक की टीम डिसाइड होने वाली थी, ऐसे में रहीम साहब संतोष ट्रॉफी विनर हैदराबाद की टीम से ज़्यादा प्लेयर लेना चाहते थे, पर बीडी रॉय जो कि एक बंगाली एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो ये चाहते थे कि ज़्यादा प्लेयर बंगाल से लिए जाएं, जो कि पहले की एक स्थापित परंपरा थी। और उन्होंने ये दलील पेश कर दी कि हैदराबाद संतोष ट्रॉफी सिर्फ इसलिए जीत पाया क्योंकि बंगाल फाइनल में नहीं थी। इस पर रहीम साहब कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, हम एक मैच करवा लेते हैं बंगाल और हैदराबाद के बीच में। हैदराबाद और बंगाल के बीच ये मैच बंगाल के BNR स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कि हैदराबाद ने बंगाल को 3-0 से हरा दिया। एंड ऑब्वियसली रहीम साहब हैड द लास्ट लाफ। दोस्तों, ये रहीम साहब की मेंटरशिप का ही परिणाम था कि उस दौर में पीटर तंगराज, निखिल नंदी, अमाल दत्ता, चुन्नी गोस्वामी और जर्नैल सिंह न सिर्फ इंडियन स्टार थे, बल्कि वर्ल्ड वाइड इनकी ग्लोरी थी। रहीम साहब 1963 में सिर्फ 54 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह गए, पर जाने से पहले वो शायद हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस को हमारी सबसे अच्छी यादें और हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स दे गए। रहीम साहब इंडियन फुटबॉल की रीढ़ थे। उनके जाने के बाद धीरे धीरे इंडियन फुटबॉल अपने पतन की ओर जाने लगा, जिस लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स के खिलाफ थे। उनके जाने के बाद इंडियन फुटबॉल में वही नॉर्म बन गया। भारतीय फुटबॉल की तरक्की की जो बुनियाद रहीम साहब ने रखी थी, धीरे धीरे उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। एक फेमस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी फ्रुनाटो फ्रैंको ने रहीम साहब के लिए शायद सही ही कहा, विद हिम ही टुक इंडियन फुटबॉल टू द ग्रेव। फुटबॉल में रहीम साहब के योगदान को सराहते हुए इंडियन फुटबॉल ने आई लीग के बेस्ट कोच का अवार्ड उनके नाम पर सैयद अब्दुल रहीम अवार्ड रखा। दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन लीजेंडरी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की, जिसे एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर अजय देवगन की मूवी मैदान में हम देख पाएंगे। दोस्तों, हम सभी इंडियन फुटबॉल फैंस को इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार है, पर जब आप थिएटर पर ये मूवी देखने जाएं, तो सैयद अब्दुल रहीम को ज़रूर याद रखें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो सैयद अब्दुल रहीम के इंडियन फुटबॉल में कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर एक छोटा सा ट्रिब्यूट थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडियन फुटबॉल में वो दम नहीं है, वो क्लास नहीं है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं था। उनकी लाइफ से, उनकी स्टोरी से हम बस इतना समझ सकते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर उस दौर में ये संभव था कि इंडियन एशियन चैम्पियन और एशियन फुटबॉल का पावर हाउस बन गया था, तो ये आज भी संभव है। ज़रूरत है आपके और हमारे साथ आने की, तो लेट्स प्रमोट इंडियन फुटबॉल। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।